चमेली, ओ चमेली। Yes, it's delighted the fans. Why not? 6 and 4 of 2 deliveries from Muralidharan came down the track, gave himself a bit of room to free the arms. Oh, Chameli! No, he's staying calm. This is the new Afridi with a bat in his hand. Nothing better than Lords on a beautiful day in a full house. चमेली, आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? Into the attack. चमेली, this is his last over. मैं कब से आवाजें दे? Swung away. टीवी खिलावा है. Still a single. पंखा चल रहा है. पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है. इसने भी तंग किया हुआ है. हाँ, दे मार 4.5 आउट करके दिखाओ तुम लोग आज मुझे. ये ले सबूर, बॉल करा अपनी बहन को. ओए, बहन किसको बोला? मेरा नाम चमेली है, चल बॉल करा. अरे भाई अहमद भैया, जल्दी में तो नहीं हो ना? अब नहीं नहीं जल्दी कैसी, घर जा रहा हूँ जुम्मन भैया, आपको कहीं जाना है छोड़ दूँ? अब हमें कहाँ जाना था, हम तो बस सीधा घर से मस्जिद और मस्जिद से घर. वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे. जी फरमाइए, किस सिलसिले? वो चंदेरी के सिलसिले. आउटसाइड कोई नहीं है, पहले क्यों नहीं बताया था? देख चमेली, बेमानी मत कर, तुझे पता है जब बॉल घर में जाती है तो आउट होता है. हाँ तो कौन सा डायरेक्ट गई है? डायरेक्ट से लग के गई है. अच्छा लो बैठो, मेरी बैटिंग है. नहीं पहले बॉल लेकर आओ. अब तो बॉल मुश्किल से मिलेगी, शीशा भी टूट गया उनका. हाँ पहले से आधा टूटा हुआ था. अच्छा इस दफा नया लगवा लेंगे. अब जाना बॉल लेकर आ. सबूर मत जाना, तेरी मार पड़ेगी. हाँ ऐसे कैसे मार पड़ेगी, बड़ा तू कैप्टन बना फिर से ना. जा जाके लेकर आ, तुम तो बिल्कुल ही बेइज्जत हो. तुम में हिम्मत है तो तुम जाओ ना, सारी गेम खराब कर दी. अपने बराबर के लड़कों के साथ जाकर खेला करो. तुम्हें अगर मैंने इसके कंधे पे खड़ा कर दिया ना तो मेरे बराबर ही आ जाओगे. नहीं ले आती हूँ. देखो भैया अहमद भैया, 8-10 साल पहले की बात तो और थी, अब वो बातें हो गई है. इस तरह लड़कों के साथ घूमना फिरना खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता, मायूब लगता है मुझे. तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? अब जी जी मैं उसे बिल्कुल समझा दूंगा. समझाना क्या है, घर में बैठा उसे, बुरखा पहनाओ बुरखा. घर में भैया कॉलेज के लड़कों के साथ खेलना, आवारा लड़कों के साथ गेंद बल्ला खेल रही है, गुड्डी डंडा खेल रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता. तुम उसे अपनी बेटी समझते हो ना? अरे जी हाँ बिल्कुल, मैंने उसे बेटी की तरह पाला है, बेटी है मेरी वो. तो फिर हक अदा करो उसका. जी
अम्मा अम्मा चमेली ने पटेल साहब की लड़की का शीशा तोड़ दिया। अम्मा चमेली ने पटेल साहब की लड़की का शीशा तोड़ दिया। कैसे? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसने हिट लगाई और शीशा टूट गया। यला फिर क्या था, चमेली गई बॉल लेने, तू मैं हुई, फिर बॉल लेकर आ गई। ये चमेली है कहाँ, घर से बुला के तो ला? शायद मालिक के साथ मार्केट गई है। अच्छा देख, अपने अब्बा को इस बारे में कुछ मत कहना। लो भाई जीनत बेगम, हम तो हो गए आज से रिटायर। ये सब क्या है? अरे भाई ये दफ्तर वालों ने तोहफे दिए, और तुम्हें पता है उन्होंने आज हमारी पार्टी भी की। अब्बा अब्बा ने खोले? अरे 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 खोलते हैं। चमेली को बुलाओ। चमेली कहाँ है बेटा? वो मालिक के साथ मार्केट गई है। अम्मा आपने तो कहा था अब्बा को मत बताना। बहुत बोलता है तू, चल जाके अपने कमरे में खेल। क्या सोच रहे? 3 महीने से बेकार। अबे मिल जाएगी नौकरी यार, कौन सी बड़ी बात है, बल्कि नौकरी करनी थोड़ी जरूरी है, ऐसा लगता है इंसान कैद होके रह गया। मैं तो कहती हूँ ऐश की जिंदगी गुजारो, बस आजाद रहो। काम की सबको जरूरत होती है चपेली। ये तुझे किसने कह दिया? पैसे की जरूरत होती है, काम की किसको जरूरत होती है? जरूरतमंद को। आजादी की भी बहुत जरूरत होती है, बस कम खाओ गम ना। ए हीरो संभल के खड़ा हो ना। वो कह दिया गलती हो गई। गलती दुरुस्त करूँ तेरी? क्या वो कह दिया ना गलती हो गई, ज्यादा ख्याल जनाने में आके बैठ। चल जनाने में अपनी माँ को बैठा। लड़की को समझा करके उसको, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त झगड़ा। तू जाके बैठ जा जनाने में, कुछ बोला तो जाता नहीं है तुझसे, मर्द बनता फिरता है। अब सर पे खड़े रहे क्या, पीछे जाके बैठ। क्या ना भाई सीना, तू कब तक पर्दा रख सकेगी? अब तो मोहल्ले वालों ने रोक रोक कर चमेली के बारे में बातें करना शुरू कर दी है मुझसे। पटेल साहब मिल गए क्या? पटेल साहब भी किसी दिन मिल जाएंगे। और हाँ सुना है कि उसने पटेल साहब के घर की औरतों से बहुत बदतमीजी की। अरे उन्होंने भी तो उसकी गेंद रोक ली थी, अब बताओ इसमें झगड़ा नहीं होगा क्या? अरे उन्होंने गेंद रख ली थी इस बात पे झगड़ा, क्या वो बदमाश है, इलाके की दादा लगी हुई है। अरे उसे समझा कि वो लड़का नहीं लड़की है। अरे भाई समझा दूंगी, लेकिन ये सब कुछ समझने में वक्त लगेगा। अब इसमें उसका कसूर तो है नहीं ना, बचपन से हमने उसे बेटा बना के जो पाला है। कसूर भी हमारा ही, मगर मुझे डर है कहीं दूसरा कसूर हमसे ना हो जाए, वो मालिक और चमेली के बारे में। अरे भाई वो तो बचपन के दोस्त हैं, और वो तो बहुत ही शरीफ और नेक लड़का है। जानता हूँ, मगर देख अब दोनों जवान हो गए, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी है दोनों के बारे में। आपने कब से लोगों की परवाह करना शुरू कर दी है? अरे मैं कभी परवाह नहीं करता था, मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ, जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा है। आओ बेटा आओ। ओए मेरा बेटा आ गया। अच्छा मेरी कैसा है मेरा बच्चा? ये सबूर बेटा तुम इसका कुर्ता बनवाना। अरे और इधर देखा, और मैं बेटा ये तो मर्दाना कपड़ा है। हाँ तो क्या मैं पहले नहीं पहनती? ये रंग भी मुझे पसंद है। नहीं नहीं क्या मैं तुम्हारे लिए और ला दूंगा? नहीं चाहिए,
ये लो। मुझे नहीं करना कोई पर्दा वर्दा। और ये मैंने बेटी क्या बेटी, हमेशा से बेटा समझा है ना, तो बेटा ही समझो। बेटी बनाकर कैद करना है। कैद? किसने कैद किया है? अब्बा से पूछो, लोगों की बातें सुनकर आते हैं। बदल रहे हैं अब्बा? वो बिल्कुल नहीं बदले, आजकल बहुत परेशान है, रिटायर हो गए। अब कैसे चलेगा ये सब कुछ? अम्मा सब चल जाएगा, करके दौड़ेगा भी। सबूर भी अभी छोटा है, वक्त लगेगा उसे। तो मैं हूँ ना, मुझे घर पे बिठा के क्या अचार डलवाना है आपने? ना ही मैं पर्दा करूंगी और ना ही मैं घर में बैठूंगी, बस कह दिया। कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं हो रही है? जीनत, ये इसी के लिए है, यही पहनेगी, उठाकर रख दो इन्हें। इंसान को अपना आप नहीं भूलना चाहिए, समझे तुम? क्या हुआ जीनत, ऐसे ऐसे क्यों टहल रही हो? खैरियत तो है? चंदेली अभी तक घर वापस नहीं आई। क्या रात का 1 बज रहा है और चमेली? अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं उसे अभी देख कर आता हूँ, ठीक है ना? घबराना नहीं। अच्छा दो मोमबत्तियां दे दो। नहीं नहीं चलता। और वो मालिक बेटा? अहमद साहब आप इस वक्त खैरियत? ओ बेटा चमेली अब तक घर नहीं आई है। नहीं आई? कहीं का? क्या पता नहीं, मैं उसको सब जगह देखा है, मैंने कहा शायद तुम्हें मालूम हो। चले चल के देखते हैं। हाँ बेटा हाँ। कुछ पता चला? अरे जीनत बहन परेशान ना हो, हमने तो उसे हमेशा लड़कों के साथ खेलते देखा है। आप उस पर सख्ती करती तो ये दिन देखने को ना मिल। हमारी आपस से परसों बदतमीजी कर कर आई। बहन मैं आप लोगों से इस बात की माफी मांगती। नहीं हम आपको शर्मिंदा करने नहीं आए, हौसला देने आए। आपकी अपनी सगी औलाद होती तो ये गुल ना खिलाती। अहमद मियाँ इसकी माँ क्या थी ये हमें मालूम है। अहमद मियाँ कहने को तो वो औरत घरों में खाना पकाया करती थी, लेकिन यहाँ के सारे गुंडे बदमाशों और मस्तानों से दोस्ती थी उसकी। मियाँ
तुमने उस औरत की औलाद को पालकर गलती की है। नहीं देखिए, उसके मरते वक्त ये 3 साल की थी, वो हमारे हवाले कर गई थी, तो इसका पालना हमारी जिम्मेदारी थी ना। हमारे काहे की जिम्मेदारी, वो तो अपनी बला तुम्हारे साथ डाल गई। मैं तो कहता हूँ खून खून की बात होती है मतलब, खून खून की बात। तुम क्या समझते हो, चमेली तुम्हारे कहने के मुताबिक चलेगी और वो पर्दा करेगी? अहमद मियां, ऐसे लोगों को इज्जत रास नहीं आती। क्या है ये? अम्मा खोल के देख लें। किसके लिए है ये? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। सबूत? ये कितने पास कहाँ से है? किसने दिए? सच बता, तुमने चोरी तो नहीं की? किसी से मांग के तो नहीं लाया? अम्मा अम्मा, तुम चंबेली ने दिए। चंबेली ने? कहाँ है चंबेली? जल्दी से उसे बुला के ला। अम्मा वो तो चली भी गई। चली गई? मुझे बैट बॉल भी मिला है। हाँ, तुझे तो बैट बॉल मिल गया ना, सब कुछ भूल गया। उसे अपने साथ तो ला सकता था ना। नहीं अम्मा, वो तो आना ही नहीं चाहती थी। 5 मिनट रुकी फिर पिछली गली से गायब हो गई। चली गई? उसने कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में भी नहीं पूछा। क्यों नहीं कहा? वो बोल रही थी मुझे तनख्वाह मिली है, जाके अम्मा को दे देना। जा तू दफा हो यहाँ से। क्या समझती है वो? वो पालेगी हमें? नोट थमाकर चली गई और घर में कदम तक नहीं रखा। ये हैसियत है उसकी नजर में हमारी? अरे उसे एहसास तक नहीं। ऐसा मत कहें, उसे एहसास है। जबी तो वो दंदनाती भी आई है, वो हमारे बारे में सोचती है और सबूत है इस एहसास का कि जैसे ही उसे पहली कमाई। पहली कमाई? तुम्हारे हाथ में पैसे आ गए, तुम उसकी तरफदारी करने लगी। अरे बेटियां कहीं घर छोड़ के जाती हैं? उसने समझा ही नहीं कभी अपने आप को बेटी। तो आपने भी तो हमेशा उसे बेटा ही समझा है और इसीलिए तो वो बेटा बन के अपना हक निभा रही है। जीनत, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। मैं उसको अपनी औलाद ही नहीं समझता। ना समझे आप उसको अपनी औलाद, लेकिन वो तो हमें माँ बाप समझती है ना, और वो इसका बोझ बांटना चाहती है। देखो कैसे तुम अंदर डब्बे में जाकर डाल दो और जिस दिन वो इस घर में आए उसे वापस कर देना। नहीं चाहिए मुझे उसकी कमाई, नहीं चाहिए। कितनी गिरी अब बाकी है। वो बिल वालदेन एहसान, और अपने वालदेन के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, दुनिया में इंसान जो नेक काम करता है उसका सिला उसे दुनिया में ही मिल जाता है, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन और अरफा काम अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में करे, ये है कि किसी भटके वो को सीधा रास्ता दिखाए। कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता जो उसके लिए चुना गया, जो हम सबके लिए चुना गया, यानी सिराते मुस्तकीम। हाँ तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि अगर इंसान जिंदगी में कोई नेक काम करता है, यानी किसी भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाता है, तो इसका अज्र अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है उसे
और आखिरत में भी। अगर नेक काम आज करोगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में उसका सिला पाओगे। आज से हम ऐद करते हैं कि हम लोगों को, भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। दुआ मांगो। इसको कब से सुनना शुरू कर दिया? मैं क्या बुराई? सबसे बड़ी बुराई तो ये खुद है। ये कैसे कर दी तूने इतनी बड़ी बात? बड़ी बात? ये तू कब से मुरीद बन गया इसका? कब से सुन रहा है इसका आवाज? बड़ी बड़ी बातें करते ना जो लोग, पहले अपने ऊपर अमल करनी चाहिए उन्हें। अच्छा बस कर ना, बस कर, रहने दे। क्या बस कर? टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर दूसरों की सुनता है, दूसरों को सुना देता है। वो अपने फारूक साहब नहीं थे? वो मरते वक्त अपना मकान मस्जिद के नाम कर गए थे। 6 महीने से हड़प के बैठा हुआ है और किराया भी नहीं दिया। तुझे कैसे पता है? अपने कान के साथ अपनी आंखें भी खुली रखा कर। सीधा रास्ता। अच्छा बुलाया क्यों था? वो 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 क्यों? पर्दा करना है। पर्दा? अम्मा अब्बा के लोग कान भर रहे हैं कि इसको घर पे बिठाओ, पर्दा कराओ, सब कुछ बकवास। किसने कान भरा? यही सारे सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं। तेरे पास देख कर्ज मांग रही हूँ, वापस दे दूंगी। जल्दी जल्दी काम करो, क्या तुम लोग कर रहे हो? चमेली ये पकड़ना जरा। अरे क्या हाल है? छोटी सी दुकान बना ली अपनी। मुबारक हो, दुकान छोटी है मगर माल काफी पड़ा है। और ये डब्बा क्या है? फिल्मों का काम शुरू कर दिया? मैं वो सिनेमा में मशीन ऑपरेटर लग गया हूँ ना, बस वही काम कर रहा हूँ। वाह भाई। खैर मैंने भी एक नौकरी की थी, चली नहीं। अपना काम होता है। फिल्म कब दिखा रहा है? अभी दिखाता हूँ, बस ये सामान छोड़ रहा हूँ, फिर आके तुझे ले जाता हूँ। सही है? हाँ सही है, जा मैं भी काम कर लूँ। चलो भाई तुम लोग क्या शक्ल देखो, जल्दी जल्दी करो दिखाओ। सलमान खान किंग है। अगर सबसे बेहतरीन और अरफा काम कोई इंसान अपनी जिंदगी में करे, ये है कि किसी भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाए। वाह मजा आ गया। हेलो कहाँ घूमो, क्या हुआ? कहीं नहीं। फिल्म कैसी लगी? अच्छी नहीं, जैसी होती है वैसी थी। लेकिन खाना बहुत अच्छा था। तूने तो खाया नहीं? नहीं खाया, जितनी भूख थी बस। ये सिगरेट कब से शुरू की तूने? काफी दिन हो गए। क्यों पीने? नहीं मैं नहीं पीता। ना पी चमेली। इस तरह कब तक जिंदगी गुजारेगी? किसकी बात कर रहा है, अपनी या मेरी? तेरी। जब तक लिखी है तब तक।
शादी कर ले। शादी? तू पागल हो गया? मुझे देखा, मुझसे कौन करेगा शादी? मैं करूंगा शादी। तेरा दिमाग तो सही है, जानते है तू क्या कह रहा है? शादी लड़की से होती है और मैं तुझे कहीं से लड़की रहती हूँ? क्या समझ के ये बात की तूने मुझसे? दोबारा ऐसी बकवास थी ना तो जूतों की नोक से तेरे सर को फुटबॉल बना के खेलूंगी। लुका पट्टा औरत समझ के डेट को बुलाया था। तू गलती कर रही है जमीली, मर्दों के कपड़े पहनते पहनते तू ये समझने लगी कि तू एक मर्द है। ये कुछ दे दे, किधर गुम है मेरी जान, अल्लाह जीता रखे, कुछ दे दे अपनी बहन को। चलो माफ करो, सच्चा समझकर ही दे दे। औरत बनके पैसे बटोरना चाहता है, चल जा यहाँ से। हम तो औरत बनके पैसे कमाते हैं, तू तो मर्द बनकर पैसे कमा रहा है। क्यों गुस्सा डंडा हुआ? वो सब मुझे नहीं तुझे आया था चमेली। तूने बात ही ऐसी की थी यार, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि आइंदा से ऐसी बात नहीं करना। तू जानता तू मेरा एक ही दोस्त है बचपन का यार, तू भी चला जाएगा तो मेरे पास कौन बचेगा यार। और देख, सुबह से गुस्से में पूरा पैकेट खत्म कर लिया। खैर मजीद, एक छोटा सिगरेट का पैकेट दे। हाँ ये वाला। बड़ी टाइट सर्विस है तेरी, वाह, ये ले। वैसे कमाल फिल्म। एक बात बोलूं? देख सुलगाना नहीं, बोल। तू अम्मी अब्बा से कभी कभार जाके मिल लिया कर, बहुत याद करते हैं तुम्हें। चला तुझे फिल्म देखा, आ जा। बड़े दिन हो गए तेरे हाथ का खाना नहीं खाया। चमेली तू मेरी बिल्कुल, कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। जो तू कहेगी मैं पका के खिलाऊंगी, जैसा तू कहेगी मैं करूंगी। सबूर सबूर देख तो बाजी आई है। बाजी बाजी बाजी, अब आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ बेटी, मैं तेरा हर कहना मानूंगी। बेटी तू फिक्र ना कर, जो तू कहेगी मैं पका के खिलाऊंगी। बेटी जैसा चाहेगी तू रहे। मुझे जाना है। बाजी 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 रुके, बाजी 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 रुक जाए, बाजी बाजी बाजी। Thank you.
कैसी तबीयत होती? पूरे 3 दिन के बाद आंखें खोली बोले। मैं कहाँ हूँ और तू यहाँ क्या कर रहा है? उठने की कोशिश ना कर, लेट जा। डॉक्टर ने कहा तुझे आराम की जरूरत। तेरी दुकान का मुलाजिम आया था परेशान मेरे पास, 2 दिन पहले बेहोश हो गई थी तू दुकान में, उस दिन से बुखार में पड़ी है। तू तब से यही है? मैं ना होता तो तेरा ख्याल कौन रखता? बाकी हर मर्द में एक औरत छिपी है और हर एक औरत में एक मर्द। ज्यादा जहन पे जोर ना दे अपनी, अरे ज्यादा छुपी हुई बातें ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आराम कर तू। तो तेरे लिए यखनी लेकर आ, डॉक्टर ने कहा है कि होश में आने के बाद तुझे हल्की गजाएं देनी है। सर कितने दिन तक? 3-4 दिन। ना आ नहीं यार, गांव जा रहा हूँ। ये कल रात ही ले आया था, कई दिनों से सोच रहा था तेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर जाऊंगा एक दिन के लिए। क्या एक ही दिन के लिए जा रहे है? हाँ एक ही दिन के लिए। तुम बदपरहेजी मत करना, मैं आ जाऊंगा कल तक, ठीक है ना? ठीक चल फिर। मेली चमेली, चमेली तुम्हें
चमेली वादा कर वो हमेशा ऐसी रहेगी, वादा कर। मालिक तू मुझसे एक वादा करेगा? हाँ बोल, क्या बोल? तू जब भी शादी करेगा ना मुझसे ही करेगा। क्या क्या कहा तूने? हाँ वो मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन क्या? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? तूने खुद ही बोला था ना मुझे शादी का। मुझे क्या बेवकूफ समझा बता? वो सब बकवास थी। मेरा कल रात निकाह हो गया। माँ काफी दिनों से पीछे पड़ी थी, उसकी भांजी कल रात ही सारी बात। मैं तो आया था तेरे पास चमेली, तूने इनकार कर दिया। मैंने बहुत इंतजार किया मगर सारी जिंदगी तो नहीं कर सकता ना। मेरी माँ बीमार है, कितनी गिरे अब बाकी है, अब बाकी है। कितनी गिरे खोली है मैंने,